जय श्री राम दोस्तों। जय श्री राम दोस्तों। कैसे हो आप सब? आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सब सोच रहे होंगे कि आज नहीं कैमरा हिल रहा है, नहीं कुछ, हम अच्छे से बैठ गए, गुड बॉय गुड गर्ल, हम कैमरा के सामने बैठे हैं अपने सेटअप के साथ। उसके पीछे एक रीजन है, और मैंने पिछले Q&A व्लॉग में बताया था कि कुछ दिन पहले, और आपको शायद से पता भी होगा कि मैं अपने, अगर आप इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर रहे हो तो, अरीना एनिमेशन आनंद के सेंटर में हमें इनवाइट किया गया था एक वर्कशॉप यानी सेमिनार के लिए, दैट हाउ कैन इन्फ्लुएंसर ग्रो ऑन यूट्यूब, और उसके ऊपर काफी हमारे डिस्कशंस वगैरह हुए थे। मैं इनफैक्ट परी को भी लेकर गया था, कैसा साथ में गए थे और बहुत ही मजा आया। मतलब स्टूडेंट भी काफी एक्साइटेड थे जयश से मिलने के लिए, और मतलब सब जानकारी होती है ना, मतलब टीनेज लोगों की भी कैसे होता है, हम कैसे करें, तो वो भी, वो मतलब स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चन थे जो उनको मतलब क्लेरिफाई मिला कि हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट बहुत सारे थे, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। बहुत बहुत मतलब इतना प्यारा सेशन रहा, कम से कम लाइक अराउंड 60 स्टूडेंट्स आए थे, अप्रोक्सीमेटली अराउंड ज्यादा होंगे इनफैक्ट। और साथ में आपको पता है वहां पे प्रेस न्यूज वाले भी आए थे, और आपको मैं अभी कुछ ग्लिम्सेस भी बताना चाहूंगा उसमें, देखिएगा। मैंने लाइक इंटरव्यू के इंटरेक्शंस थे, न्यूज में आया था, तो काफी मतलब मैं एक्साइटेड था, और जो हुआ प्रभु की कृपा से हुआ। और कई बार पता है मैं अपनी जर्नी अगर मैं लाइक याद करता हूँ ना, वैसे तो मैंने यूट्यूब को देखना लाइक एक क्यूरियोसिटी थी मेरे अंदर कि कुछ करना है कुछ करना है, तो 2015 से कुछ ना कुछ सीखते आ रहा था मैं, मगर उस वक्त इतना नॉलेज नहीं था, और कैसे यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करते हैं, मेरे पास कोई बड़ा सिस्टम नहीं था, मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं थे, कोई इक्विपमेंट नहीं थे। आप मेरे इंस्टा पे देख सकते हो, मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो बनाई थी कि अगर मैं बनाता था तो कैसे बनाता था, तो कहीं उसमें चैनल बंद भी हुए थे, पता नहीं जाने अनजाने में रूल्स ब्रेक हो रहे थे मेरे से। प्रभु की कृपा से 2017 में शुरुआत हुई सीक्रेट मिस्ट्रीज की, जो हमारी मेन चैनल है। प्रभु की कृपा और आप सबका प्यार और सपोर्ट है, जिसके बदौलत आज कहीं पे हमें एज ए स्पेशल गेस्ट कहते हैं ना कि इनवाइट किया गया था सेमिनार के लिए, ताकि हमारे थ्रू हम किसी को सिखा सके, जो गलतियां हमने की थी वो लोग ना करें। तो बहुत बहुत प्यारा सेशन था, और आपको पता है काफी लाइक मुझे कमेंट्स आते हैं कि एज ए कपल आप बहुत अच्छे लगते हो, और बहुत हम पढ़ते हैं, थैंक यू वेरी मच। मतलब आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए थैंक यू, ऐसे साथ में हम लोग काम करते रहे, बस यही है। परी का बहुत बहुत सपोर्ट है मुझे, अब जो भी मेरे इंस्टाग्राम पर वीडियोस देखते हो ना, ये सारे शूट ये ही करते हैं, सारी जो ऑडियोज वगैरह, काफी सॉफ्टवेयर का भी नॉलेज है इनको, लाइक फोटोशॉप वगैरह का। कहीं भी कोई भी इवेंट होता है, इसके पहले भी लास्ट ईयर भी एक सेमिनार था, अभी साथ में लेके गए थे ये, मतलब ये टाइम भी मैं गई थी साथ में, अभी आगे भी जाऊंगी साथ में, मतलब ये मुझे लेके ही जाते हैं कि नहीं, मैं इन्हें साथ में ही रखता हूँ, ताकि देखो एक बात बताता हूँ, कई बार हम एक सोसाइटी की मेंटालिटी अगर देखे ना, तो लोगों ने एक फोबिया बना रखा है कि महिलाओं को सिर्फ किचन में ही रखना, घर का काम ही करना, ऐसा नहीं है, मेरी मेंटालिटी अलग है, क्योंकि आज का दौर ऐसा है कि कई फील्ड ऐसे हैं कि जिसमें महिलाएं पुरुष से भी आगे हैं, और हमें प्राउड फील करना चाहिए कि ये जो वुमेन एम्पावरमेंट का जो सब्जेक्ट है, जिसपे आज कई महिलाएं आज बड़े बड़े सेटअप पर, कहीं कहीं बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओज हैं, लाइक कहते हैं ना, एक बड़े बड़े लेवल पर वे पुरुषों को भी मार्ट दे रही है। तो मेरा भी एक वही विचार होता है कि लाइक मेरी मम्मी ने भी बहुत हार्ड वर्क किया है लाइफ में, मेरी सिस्टर्स ने भी किया है, और मेरी वाइफ मुझे सपोर्ट करी, इवन शी इज वेल एजुकेटेड, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप, भले देखो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मगर क्यों ना आप मेरे साथ चलो और इस दुनिया को देखो, तो इसलिए मैं उन्हें साथ रखता हूँ, बहुत बहुत इनका सपोर्ट है मुझे। तो मैं कुछ ही कुछ ग्लिम्सेस बताना चाहूंगा आप सभी को, आप देखिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, आपको कैसा रहा सेमिनार और कैसे वेलकम हुआ था हमारा, बहुत ही प्यार मिला अरीना एनिमेशन के आनंद सेंटर पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इंस्टीट्यूट वालों को भी और स्टूडेंट्स को भी जो इतना प्यार दिया हमको। तो आप ये ग्लिम्सेस देखिए, ग्लिम्सेस देखने के बाद मैं आपको मिलता हूं, फिर आगे की चर्चा करेंगे।
तो दोस्तों कैसे लगे ग्लिम्सेस अरीना एनिमेशन वाले सेमिनार के? उम्मीद करता हूं आपको पसंद आए हैं। हमारे लिए प्रे करिएगा कि ऐसे सेमिनार्स बैक टू बैक आए हमारे लाइफ में और अच्छी अच्छी चीजें हम आज की यंग जनरेशन के साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये ग्लिम्सेस आपको कैसी लगी। और दोस्तों आपको तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे एंड नहीं करेंगे, प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है। मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूं, परी भी कुछ नहीं बोलने वाली है, मगर आज आपके लिए कुछ सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है वो आपको बताता हूं। तो पहला सरप्राइज, 1 2 3 हमारे यश। सेकंड सरप्राइज, देखो कौन आया है, माही। देखो आपको पता है, आपने मेरे जब मैं मुंबई गया था तब होली वाले व्लॉग में आपको माही से आप मिले थे राइट। माही ने अपना टैलेंट बताया था राइट, जो आर्ट और क्राफ्ट में काफी माहिर है आप आर्ट और क्राफ्ट के लिए। यस यस यस, ये हमारी, ये मेरी सबसे क्यूट लिटिल भांजी है, मेरी जो छोटी बहन है उसकी डॉटर है ये। तो समर वेकेशन के लिए यहाँ पे मामा के घर एंजॉय करने आई है। तो पता है इन्होंने क्या रिक्वेस्ट की थी कि, और पता नहीं ये दोनों मतलब कहते हैं ना कि कैसे अडेप्ट कर लेते हैं ये सब चीज भक्ति भाव मतलब पेरेंट्स से। तो आज हमारे बदले ये दोनों बच्चे प्रभु के नाम का गुणगान करेंगे। क्या करेंगे वो आपको पता चल जाएगा। ओके, सभी को पता होगा कि हनुमान जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध पाठ है जो है संकट मोचन हनुमान अष्टक। ओके, यश के श्रीमुख से आपने सुनाई था आज, हालांकि यश भी आज उसे सपोर्ट करेगा, मगर आज माही के श्रीमुख से भी आप उस भजन की कुछ पंक्तियां सुनेंगे। मुझे पता नहीं था, एक दिन मेरे बाजू में बैठी, अभी कुछ दिन पहले इन लोग आए, मेरे बाजू में बैठी और मुझे बोलने लगी कि मुझे तो ये आता है। मैंने बोला प्लीज सुनाइए, तो उन्होंने अपनी मीठी मीठी वाणी ने मुझे सुनाया। तो बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो पहले शुरू करेंगे माही। बाल समय रवि बख्शि लियो, तब तीनु ही लोक भयो अंधियारो, ताही सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो, देव न आने करी विनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो, कौन ही जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कम ऑन यश, जय श्री राम। काज किए बड़ देवन के, तुम वीर महाप्रभु देखी बिचारो, कौन सुसंकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है तारो, बैगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट हो हमार, कौन ही जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। दोस्तों जय श्री राम, और लाइक के बटन तो जोर से जय श्री राम का नारा लगाकर ठोक दो, और आप और कमेंट में जरूर बताइएगा कि इन दोनों के श्रीमुख से प्रभु के नाम का गुणगान आपको कैसा लगा। हम आपका कमेंट जरूर पढ़ेंगे, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा जरूर। और जल्द ही आपके लिए हम एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ हम वापस लौटेंगे। और आपको पता है, एक और सरप्राइज दूं आपको, व्लॉग को एंड करने के पहले आपको एक व्यक्ति से मिलाऊंगा, आप उन्हें मेरे फैमिली वाले जो व्लॉग था जो होली में मैं मुंबई में गया था, हम मिलेंगे माही की मम्मी से। कम ऑन माही की मम्मी, आप भी आ जाइए। आप हमको सब्सक्राइब नाउ के लिए ज्वाइन करिए, ठीक है। तो आपको पता है माही के लिए बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आए थे, और कहते हैं ना, थोड़ा मैं कैमरा थोड़ा सारे लोग आ जाए, यस। तो माही के लिए होली के जो हमने व्लॉग बनाया था जिसमें माही ने अपना आर्ट वाला टैलेंट बताया था ना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी जो बेटी है उसका आपने जो आर्ट वर्क वगैरह जो भी कुछ था उसने किया, क्रिएटिविटी आपने उसको पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, कमेंट पढ़ के मुझे बहुत खुशी हुई है। क्या बात है, थैंक यू थैंक यू। और जल्द ही हम एक और इंटरेस्टिंग फैमिली व्लॉग के साथ वापस लौटेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ ताकि आने वाली व्लॉग्स आप सबसे पहले देख सके। तब तक जय श्री राम, गुड बाय।